Hello student, today we will study first poem of Flamingo, My Mother at 66. This poem is written by Kamala Das. Kamala Das was an Indian English poet. This is really a beautiful and sweet poem. First, I would like to read first stanza of the poem. Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees springing, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards, driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me. Here, poet is returning to her home. She is returning to Kochi. Wo airport ja rahe hai. During this time, she was driving a car. वो अपनी कार चला रही है and her mother is sitting beside her. The time was morning. समय भी दिया है last of Friday morning. I saw my mother beside me. और वहाँ पर अपनी मम्मी को अपने पास बैठे हुए देखते हैं. During this time, her mother was dozing. Dozing means थोड़ी देर के लिए वो गाड़ी में सो जाते हैं. And this time, her mouth ओपन, उसका जो मुंह होता है वो खुला होता है, ओपनड माउथ. हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. एंड हियर व्हेन पोएट सी हर मदर्स फेस, जब वो देखते हैं शी फील्स रियली पेन, वो उसको बहुत दर्द होता है. बिकॉज हर मदर वॉज एट 66, सी वॉज टू ओल्ड. एंड हियर पोएट कंपेयर करते अपनी मम्मी का चेहरा किसके साथ, लाइक अ कॉप्स, जैसे वो जिंदा लाश है. एंड हर फेस लाइक एन एशियन, एशियन मीन्स राख जो होती है, मोशनलेस, जिसमें कोई देर इज़ नो लाइफ. सो सी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विथ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन. एंड सी रियलाइज वेरी पेन दैट टाइम दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड. वो इतनी दिखती थी जितनी उसकी उम्र थी. हर एज वॉज 66 एंड सी वॉज लुकिंग टू ओल्ड. बट सून पुट दैट थॉट अवे. एंड हियर पोएट डज नॉट वॉन्ट टू थिंक ओवर इट. वो ज़्यादा उस पर सोचना नहीं चाहती थी. एंड दैट इज वाई शी लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. एंड हियर शी लुकड आउटसाइड, वो बाहर देखती है. ट्रीज स्प्रिंगिंग इट मीन्स दैट जब हम गाड़ी में जाते हैं तो जो चीज़ें होती है हमारे पीछे छूट जाती है. तो यहाँ पर भी सिमिली यूज हुआ है, ट्री स्प्रिंगिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. यंग चिल्ड्रन्स वर स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बाहर खेलने के लिए आते हैं. दे वर सो हैप्पीली, बहुत ही खुश थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स. एंड हियर व्हेन दे रीच्ड टू द एयरपोर्ट, अब रस्ते में वो देखती है गाड़ी के बाहर, जब देखती है तब वो पेड़ जो होते उसके पीछे छूट जाते हैं. सो ये देर इज़ अ कंपेरिजन, टाइम कितना स्पीड से चला जाता है, जो कुछ हमारे रस्ते में आते हैं वो पीछे छूट जाता है. चाइल्डहुड से वो कितने बड़े हो गए, वो समय कैसे बीत गया, टाइम्स स्पेंड सो फास्ट, कितना टाइम स्पेंड हो गया फास्टली और चला गया, टाइम गोज टू फास्ट. उसका बचपन भी उसको याद आता है, कितना मेरे लिए बचपन था, लाइक द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड. एंड इन द कार द एटमोसफियर सो वॉज सो काम एंड कूल एंड सो साइलेंट. अंदर का जो वातावरण था कितना साइलेंट था. सो हियर पोएट रिमेंबर्स कि वो बचपन से, जब उसकी मम्मी उसको बचपन में दिखती थी, सी वॉज सो यंग, कितनी यंग थी, लाइक द एंड ऑल्सो टाइम भी कितना बीत गया. नाउ हर मदर लुक्स टू ओल्ड, कितनी ओल्ड लगती है. एंड शी फील्स इनसिक्योरिटी दिस टाइम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोयम.
Away, I looked again at her. Van, pal, here. Poet looked again to her mother's face. It is glowless. Van means pale. Glowless. चेहरा बहुत ही फीका पड़ गया है. As a late winter's moon and felt that old. Felt that old. It means कैसे old था? इतना old था. She compares her mother's face with winter's moon. Late winter's moon. Familiar ache. And again she feels pain. Ache. Ache means pain. My childhood fears. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. She feels really pain. Insecurity feel करती है. जैसे हम कोई चीज़ के साथ ज़्यादा या कोई व्यक्ति के साथ हम ज़्यादा अटैच हो, अगर वो हमारे जीवन से चला जाए तो हमको कितना पेन होता है. She feels pain that time. कि उसको उसकी मदर को खो देने का डर लगा, क्योंकि हमेशा बुढ़े इंसान होते वो तो कभी भी भगवान के पास जा सकती है. तो यही डर उसको पोएट को इस वक्त उसको फील्स हुआ. सी रियलाइज्ड पेन. सी इज रियलाइज एंड फील्स इनसिक्योरिटी टू सी हर मदर्स फेस. इट वॉज सो ओल्ड. एंड सी हियर स्टूडेंट, द लास्ट lines of the poem is, all I did was smile and smile and smile. Here poet use the repetition of the word, which word it is smile. यहाँ पर वो smile पर ज़्यादा focus करते हैं. एक तो ये किसके लिए stand करता है smile? To hide her feelings, जो अपनी feelings को छुपाना चाहती है. And वो अपनी मम्मी को जैसे वो bye कहती है, bid करती है. एक smile किसके लिए है? To hide her feelings. And another smile is for, it was unnatural smile. वो चेहरे को अपनी feelings को छुपाते हुए अपनी मम्मी को bid करती है. She beats her mother. And the third one, smile. Last smile is to reassure her mother that she would see her again. Soon, अपनी मम्मी को वो जल्दी ही वापस मिलेगी. इसीलिए यहाँ पर तीन बार स्माइल पोएट ने यूज़ किया है. एंड स्माइल. द टोन ऑफ द पोयम इज रियली सोरोफुल एंड पेनफुल. स्टूडेंट, इफ यू टोक द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पोयम, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर. यू जस्ट सी इन फिफ्थ एंड सेवंथ लाइन. She compares her mother's face with that of corpse and also uses the word like. यहाँ पर like word use हुआ है. It means that it is simile. While making that comparison, she used that while making the comparison. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि simile figure of speech use हुआ है. And also the figure of speech used in the 15th and 16th lines of this poem. And read the 15th and 16th line of this poem. Standing a few yards away, I looked again at her face, wan, pale, as a late winter's moon and felt that. Means also here, the poet compares her mother with, you know, late winter's moon. She again compares here. Now let's talk about the another literary device, personification. It means that this rhetorical device is used to give human qualities on something that is not human. यहाँ पर non-living को human activities में दर्शाया गया है. You just see the 12th line of this poem, trees springing. It means that here the figure of speech personification is used. Now let's talk about another literary device, and it is apostrophe. This rhetorical device is used when a poet addresses his or her mother in this poem to an absent audience. His mother was an absent audience. Amma, see the word amma. She addresses her amma, but mother never replied to the poet in this poem. अम्मा कहती तो है, लेकिन अम्मा ये poem में कभी कुछ बोलती ही नहीं है. Actually, poet अपनी मम्मा को
कहती है कुछ भी वॉट एवर कि उसकी जो पेन से उसकी जो फीलिंग से दर्शाती है, बट इट इज़ अ साइलेंट इन अ साइलेंट वे. एंड ऑल्सो स्टूडेंट, द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कोमास. ये पूरी पोएम को सिर्फ एक कोमा के जरिए पूरी की गई है. मीन्स देर इज़ नो फुल स्टॉप इन दिस पोएम. फर्स्ट से लेकर लास्ट में फुल स्टॉप लगता है और पूरी पोएम को पंक्चुएटेड कोमा से किया गया है. इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट इंटरस्पर्ड विथ ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया. ये पोएम जो है एक ही आइडिया के साथ कनेक्ट हुई और कोमा पूरी लाइन में सिर्फ कोमा से यहाँ पर पूरी पोएम में, बट देर इज़ नो फुल स्टॉप. This is really beautiful and sweet poem.